डार्क मैटर, ये काफी अपने नाम की तरह ही है, प्रूफ है कि ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये है क्या वो किसी को नहीं पता। ये ना लाइट को अब्सॉर्ब करता है, ना ही एमिट करता है, ना ही रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम डार्क मैटर है। ऑब्वियसली ये यूनिवर्स के 25% मास एनर्जी और एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या हो अगर हम इसे समहाउ डिस्कवर कर पाए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी डिस्कवरी के बाद इसका नाम डार्क मैटर नहीं रहेगा। हम इसे डार्क मैटर कहते हैं इसलिए क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये एग्जैक्टली है क्या, और इसकी डिस्कवरी काफी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी क्योंकि इसकी वजह से फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में काफी सारे नए अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगे, जैसे कि क्वांटम ग्रेविटी और जनरल रिलेटिविटी के बीच का डिस्प्यूट। जनरल रिलेटिविटी बताती है कि ग्रेविटी बड़े स्केल पे कैसे वर्क करता है, वहाँ क्वांटम ग्रेविटी बताती है कि कैसे ग्रेविटी छोटे स्केल पे वर्क करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि दोनों के कुछ स्टेटमेंट एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं है, लेकिन अगर डार्क मैटर का डिस्कवरी हुआ तो हम ये बता पाएंगे कि क्यों ग्रेविटी सब एटॉमिक लेवल पे अलग क्यों वर्क करती है, और हम पार्टिकल फिजिक्स में डार्क सेक्टर की मिस्ट्रीज को भी रिवील कर पाएंगे। और क्योंकि 25% मास एनर्जी यूनिवर्स का डार्क मैटर का है, तो हम इसकी डिस्कवरी से जिस मिस्टीरियस सब्सटेंस और पार्टिकल से हमारा कॉस्मोस और भी कई सारे बिग स्ट्रक्चर्स कंपोज हैं, उनका पता लगा पाएंगे। और जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डिस्कवरी से हम टीवी और रेडियो जैसे रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर पाए थे, सेम डार्क एनर्जी की डिस्कवरी के बाद वैसे ही हम एडवांस टेक इन्वेंट कर पाएंगे, और इसकी डिस्कवरी से काफी फिलोसफिकल डिबेट्स होंगे। फॉर इंस्टेंस, छोटे से बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिन्होंने काफी सारे प्रॉमिसिंग थ्योरीज और थीसिस दिए हैं रिलेटेड टू एस्ट्रोफिजिक्स, उनके काफी सारे थ्योरीज और थीसिस रॉन्ग साबित हो जाएंगे। वेल, ऐसी एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चेंज जो कि डार्क मैटर की डिस्कवरी की वजह से होंगे। तो यही था आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा लाइक करना, मिलेंगे अगले में, बाय।